सो नेक्स्ट चैप्टर इज दिस मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये 11th का लास्ट चैप्टर है और इसको करते हैं अच्छे से, फिर अप्रैल में जो रिमेनिंग टाइम होगा उसमें बाकी चैप्टर्स का हम लोग रिवीजन कर लेंगे और फिर May 1st से 12th स्टार्ट करेंगे। ओके सो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। देखो दोनों चैप्टर जो है पैरेलल ही चलते हैं स्टार्टिंग में, फिर आप थोड़ा सा फोकस करते हो डिटरमिनेंट पे, फिर उसका फोकस करते हो मैट्रिक्स पे। अभी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ये कोई न्यू वर्ड नहीं है हम लोगों के लिए, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप फाइंड करते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल। बाकी सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस करते हैं फिजिक्स में जब आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हो। लाइक आपने फिजिक्स में यूज किया होगा, लाइक ए वेक्टर है ऐसा कुछ आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और लेट्स से वी वेक्टर है दिस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड करना है ए क्रॉस बी, तो 4a क्रॉस b हम लोग बनाते हैं एक डिटरमिनेंट लाइक दिस आई जे के। स्टार्टिंग में आप ए के एलिमेंट पुट करते हो 1, 1 और -1, और फिर बी के एलिमेंट पुट करते हो 2, -3 और 4, और फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं जैसा हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल के टाइम भी किया था सेम टू सेम वैसे। मतलब वी कैन ओपन विद रेस्पेक्ट टू एनी रो और एनी कॉलम, जैसे सपोज करो फर्स्ट रो के अबाउट आप इसको ओपन करते हो तो ये हो गया आई कैप, और फिर यहाँ पे आएगा 4 -3 × -1 यानी कि +3 बट -3। दिस के अबाउट ओपन करते हैं तो माइनस का जे कैप, और फिर ये बन गया लाइक दिस, ये कैंसिल, ये हो गया अभी 4 एंड दिस -(-2) यानी +2, और फिर प्लस का के कैप, ठीक है, ये है 1 × -3 यानी कि -3 -2 × 1 यानी कि 2, और फाइनल आंसर आता है इसका लाइक दिस आई कैप माइनस का 6j कैप और माइनस का 5k कैप। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी डिटरमिनेंट का यूज होता है, ठीक है। वेक्टर्स 3D ये 12th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग मैथ्स में भी, तो वहां पे इसको और यूज करेंगे। अभी जितना एप्लीकेशन इसका मैथ्स में हो रहा है वो देख लेना है। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। देखो क्या होता है ना, पहले मैट्रिक्स पे आते हैं। मैट्रिक्स इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या ऑफ एलिमेंट्स इन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैनर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, जैसे इस तरीके से कोई अरेंजमेंट है लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया, इसको आप बोलते हो मैट्रिक्स। अगेन एक चीज और, मैट्रिक्स को हम लोग शो करते हैं आइदर स्क्वायर ब्रैकेट और इस तरीके से वर्टिकल टू लाइंस बना देते हैं। ओके ठीक है, अभी एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज है, ठीक है, इसको बोल 3 रोज है इसके अंदर, इनको रोज बोलते हैं। दिस इज रो 1 रो 2 और यहां पे है ये रो 3, और कॉलम्स है इसके अंदर 4। दिस इज कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड कॉलम 4, ठीक है। और फिर इसका ऑर्डर लिखते हुए आप लाइक दिस आर क्रॉस सी या एम क्रॉस एन लिख देते हैं। एम इज नंबर ऑफ रोज एंड एन इज नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहां पे नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 4, तो यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3x4 या 3x4, जनरली 3x4 बोलते हैं। जैसे रूम के लेंथ विड्थ में सपोज करो 12 फीट x8 फीट का कोई रूम है, तो आप इसको 12x8 नहीं बोलते हो, आप इसको 12x8 बोलते हो, समझते हो ना इतना 12x8। यस सर, ये रूम के डाइमेंशंस, तो वैसा ही है 3x4, तो ये 3x4 का मैट्रिक्स हो गया। अच्छा 3x4 मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 × 4 यानी कि 12। ऐसे ही सपोज करो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है MYN, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स MN ऑफ ऑर्डर MYN, तो ये आने वाला है M × N। डन,
अच्छा इसमें क्वेश्चन ये होता कि फाइंड द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, फाइंड द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, आंसर जी जी करेक्ट है, ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। लाइक ऐसा कुछ है ए बी सी डी ई एफ, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 3 rows, 2 columns, 3 rows and 2 columns, correct. Order of this matrix 4 into 1, 1 row, 4 column, 1 row and 4 column. 4 into 1 wrong answer है, 1 into 4 correct answer. ठीक है, next question करते हैं। अच्छा इसमें ये point भी introduce कर लेते हैं भैया। If m is equal to n, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा यार ये बोर्ड्स में भी ये ध्यान रखना है ना, ये बोर्ड्स में भी आता है, इसका काफी सारा पोर्शन 11th क्लास में है और मैट्रिक्स का एक स्पेसिफिक पोर्शन बताऊंगा मैं वो 12th बोर्ड्स में आता है, ठीक है तो इसको अच्छे समझो है ना। इफ m इज इक्वल टू n, i नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन दिस इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। लाइक दिस एग्जांपल a b c d ऑर्डर 22 रोज एंड 2 कॉलम्स यानी कि 2/2। एक चीज और, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग लिख देते हैं जस्ट n, मतलब n y n लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जस्ट n। Like this example, order 3 by 3, 9 तो बहुत ही फनी आंसर था, बाकी इसका आंसर है 3 order, मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, 3/2 का मतलब 3/2 ही होता है, 3 into 2 तब करते हैं जब आपको क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ टोटल, ठीक है ऐसा। हाँ मतलब ऐसा कुछ है कि इसका एरिया बताओ तो फिर आप बोल सकते हो 9 square foot या 9 square centimeter या 9 square kilometer जो भी है, लेकिन एरिया वगैरह का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, है ना डायमेंशंस बताते हैं 3 by 3, 2 by 2, यहाँ पे 3 rows and 2 columns 3/2, 1 row 4 columns 1/4, यहाँ पे 1, 2, 3, 3 rows, 1, 2, 3, 4 columns, तो 3/4 ऐसा। अच्छा एक क्वेश्चन ये करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट्स से 12, देन हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल, सोच के बोलो क्या आंसर है बताओ। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 12, तो ये बताना कि कितने डिफरेंट ऑर्डर पॉसिबल है वहां पे। फोर और सोचो, सिक्स। So six. कहने का मतलब ये कि m into n करने पे आंसर आना चाहिए 12, ठीक है तो 0 into something तो possible ही नहीं है, first possible है 1 into 12, यानी कि 1 row 12 columns, second possible है 2 rows 6 column, third possible है 3 rows 4 columns, fourth possible है 4 rows 3 columns, 3/4 and 4/3 different होता है ना, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 3/4 and 4/3 आर डिफरेंट, सेकंड पॉसिबल नेक्स्ट पॉसिबल है 6/2 और नेक्स्ट पॉसिबल है 12/1, लाइक 1/12 का मीनिंग हो गया 1 रो एंड 12 कॉलम्स और 12/1 का मीनिंग हो गया 12 रोज एंड 1 कॉलम्स ऐसा, तो दोनों दिखने में काफी अलग है और एक्चुअल में अलग ही है, डिफरेंट है मतलब, तो टोटल 6 ऑर्डर्स पॉसिबल है एग्जैक्टली,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 36। अभी बताओ टोटल कितने डिफरेंट ऑर्डर पॉसिबल है? आठ। रॉन्ग आंसर है, सोच के बताओ आराम से, इतनी जल्दी क्यों करते हो यार? सेवन। जानना है क्या तुम्हें? बताओ। सेवन। सेवन। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसमें एक रिपीट नहीं। और 1/36 का 36/1, बट ऐसे 6/6 का ऐसे पॉसिबल थोड़ी होता है यार, है ना? ये थोड़ी होता है ऐसे कुछ। तो इसका आंसर फाइनली कितना आएगा बोलो? सेवन। सेवन कहाँ आ रहा है? नाइन आ रहा है ना, टोटल नाइन। टोटल नाइन डिफरेंट ऑर्डर पॉसिबल है। 1/36, 36/1, 2/18, 18/2, 3/12, 12/3, 4/9, 9/4, बट 6/6 तो 6/6 ही होता है ना, उसको थोड़ा चेंज करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 81। टोटल डिफरेंट ऑर्डर्स बताओ सोच के। थ्री। तुम लोग मानते क्यों नहीं हो यार? तुम्हें देखो तीन एग्जांपल हो चुके हैं, अभी भी तुम रॉन्ग आंसर रिप्लाई कर रहे हो। ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं है, तुम इसको फैक्टर्स नहीं कर सकते क्या? कुछ रैंडम ही बोल रहे हो, इसे पढ़ने का मन ही नहीं है किसी का। सर फाइव। फाइव करेक्ट है। फाइव सर। इसका आंसर आएगा फाइव। ठीक है, तो 81, 1 × 81 और फिर 81 × 1, 2 × पॉसिबल नहीं है, 3 × 27, नेक्स्ट पॉसिबल है 27 × 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉसिबल है, 9 × 9, इसका रेसिप्रोकल 9 × 9 ही होता है, वो सेम ही है। फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27 कुछ भी नहीं होगा, बस यही इसका फाइनल आंसर है। कितना? 5 करेक्ट। ओके, देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, देख लेते हैं। जैसे यहां पे क्वेश्चन था स्टार्टिंग में 12, ठीक है, तो करना क्या होता है, 12 ऐसा लिखो, इसको क्या करो, प्राइम नंबर्स में ब्रेक करो, यानी कि 2² × 3⁻¹। क्लियर? अच्छा, इसका आंसर कितना आ रहा था? 6 आ रहा था। ठीक है, ओके। अभी क्या करोगे, आंसर है दिस, 2+1 और 1+1, मतलब इसमें प्लस वन करना है आपको और यहां पे भी प्लस वन करना है, तो ये हो गया 3 × 2, यानी आंसर 6 पॉसिबल है। ठीक है, लाइक क्वेश्चन था दिस 36,
तो 36 वाले ऑर्डर में कितना आंसर आ रहा था यहाँ पे? 9 36 देखते हैं. 36 को आप ब्रेक करोगे पहले प्राइम नंबर्स में. 36 को ब्रेक करो प्राइम नंबर्स में कितना आता है बोलो? 6 square. 6 प्राइम नंबर नहीं होता ना लेकिन. हाँ हाँ. 2 square into 3 square. हाँ, अभी यहाँ पे करोगे प्लस वन. पावर में प्लस वन करना होता है, पावर में ध्यान रखना. तो ये हो गया 3 into 3 यानी आंसर. नहीं एग्जैक्टली. लेट्स से क्वेश्चन है दिस जो जस्ट अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने 81. तो 81 इज 9 स्क्वायर और 9 को ब्रेक करोगे प्राइम नंबर में यानी 3 स्क्वायर यानी 3 टू द पावर 4. फाइनल आंसर है दिस कितना? 5. तो वही आंसर आ रहा था. ठीक है, एग्जांपल है दिस 720. अभी बताओ क्या आंसर है. थर्टी करेक्ट आंसर है. 30 आंसर आएगा इसका. ओके, 720 को ब्रेक करोगे पहले प्राइम नंबर्स तो 2 डिवाइड करते हैं, ये हो गया 360. फिर 2 डिवाइड करोगे तो 180. फिर 2 डिवाइड करोगे तो 90. फिर दोबारा से 2 डिवाइड करोगे तो 45. फिर 3 डिवाइड करोगे तो 15. फिर 3 डिवाइड करोगे तो 5. और फाइनली ऐसा. तो ये हो गया अभी 2 to the power 4, 3 to the power 2 एंड 5 to the power 1. इसमें प्लस 1, यहाँ पे भी प्लस 1 और यहाँ पे भी प्लस 1. तो ये हो गया अभी फाइनल आंसर 5 into 3 into 2, यानी कि टोटल 30 डिफरेंट ऑर्डर पॉसिबल है. ठीक है, लाइक 1 into 720, 720 into 1, 2 into 360, 360 into 2, 3 into 240, 240 into 3, ऐसा. ठीक है, 16 तो पॉसिबल नहीं. क्या 12 into 72 into 10, 10 into 72, ऐसे. तो ऐसे टोटल डिफरेंट 30 ऑर्डर्स पॉसिबल है. बाकी आपको हमेशा ऐसे करके नहीं देखना होता जैसे हम लोग पहले कर रहे थे 1 into 36, 36 into 1. आप डायरेक्ट क्या करो, इसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करो फिर प्लस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई. लाइक यहाँ पे था 2 to the power 4, 3 square, 5 to the power 1, प्लस 1 यानी कि 5, प्लस 1 यानी कि 3, प्लस 1 यानी कि 2, 5 into 3 into 2 यानी कि 15 into 2 यानी आंसर है 30. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म है इसके अंदर, इसको बोलते हैं कोफैक्टर. अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं, एग्जांपल करते हैं. फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3y4 सच दैट aij इज इक्वल टू i aij is equal to i plus 2j upon 3. ऐसा. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि एक मैट्रिक्स बनाना है हम लोगों को, उसका ऑर्डर है 3x4 यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 4. एग्जैक्टली. हाँ, अभी देखो aij का मीनिंग क्या होता है, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम.
आयथ रो एंड जेथ कॉलम। स्टार्टिंग जो है वो आयथ रो है एंड ये सेकेंड वन दिस इज जेथ कॉलम, जेथ कॉलम मतलब मैट्रिक्स को शो करना है तो कैपिटल लेटर से शो करते हैं और उसके एलिमेंट्स को शो करना है तो फिर स्मॉल लेटर से शो करते हैं। जैसे अभी दिस एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच रो एंड विच कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी आई इज इक्वल टू वन जी इज इक्वल टू वन, तो आई इज इक्वल टू वन जी इज इक्वल टू वन यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो गया 3/3। क्लियर? अभी दिस एलिमेंट रेफर्स टू विच रो एंड विच कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे पुट करोगे आप आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 2, यानी कि 5/3। नाउ दिस एलिमेंट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू 3, यानी टोटल 7/3। नाउ दिस एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फोर्थ, हाँ यानी आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया अभी 9/3। बाकी सारे एलिमेंट्स डिसाइड करो, करो सॉल्व फटाफट से जल्दी से। कुणाल कोई डाउट है? चलो ओके, दिस एलिमेंट बोलो 4/3 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, आई इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 1, यानी कि 4/3। This element, second row and second column, I is equal to 2, J is also 2, yani ki 6/3. This element, second row and third column, I is equal to 2, J is equal to 3, yani 8/3. This element, second row and fourth column, 10/3. J is equal to 4, 10/3. Okay. This element, third row and first column, 5/3. This element third row and second column, yani 7/3. This element third row and third column, yani ki 9/3. This element third row and fourth column, 11/3. Correct. तो ये हो गया इसका आंसर, मतलब ये मैट्रिक्स बन गया अभी आपका। सर हाँ बोलो, क्या हुआ? 6/3 को 2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं यार, कौन मना कर रहा है? 3/3 को फर्स्ट क्लास 1 लिखो, 6/3 को 2 लिखो, 9/3 को 3 लिखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये तो इसलिए कि ताकि आप बाद में देखो तो तुम्हें समझ में आ जाए कि 6/3 था इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है दिस कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। इसके पहले क्या है, हमें थोड़ा सा डिटरमिनेंट देखना पड़ता है। चलो इसको रिड्यूस कर लेते हैं ना, डिटर्मिनेंट को रिड्यूस कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, एक्चुअल में स्पेसिफिक वैल्यू एसोसिएटेड विथ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। मतलब डिटर्मिनेंट दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ, एंड स्क्वायर मैट्रिक्स इज जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है,
अभी होता क्या है ना, जैसे अच्छा डिटरमिनेंट को हम लोग शो करते हैं इस तरीके से, जैसे 1/1 का डिटरमिनेंट चाहिए आपको, तो इसको आप लिखते हो लाइक दिस, ऐसा 1/1, और लेट से ये है ऐसा कुछ, तो जो इसकी वैल्यू होती है ना वही नंबर होती है जो यहाँ पे है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, जस्ट ए। बिल्कुल, अभी 2/2 डिटरमिनेंट, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बट इसको शो करोगे आप वर्टिकल लाइन से, और यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट, टोटल 4 एलिमेंट्स मिलेंगे, और इसका जो इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अभी इसकी वैल्यू ये देख लो कैसे कैलकुलेट करते हैं, काफी सिंपल है। ये होता है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी AD माइनस BC, एवरीथिंग विल बी विद साइन। ये फिक्स है मैथ्स में, हर जगह पे सारी चीजें आप विद साइन ही यूज करते हो। जैसे क्वेश्चन है दिस 2 -4 3 और लेट्स से -1, तो क्या आंसर आएगा इसका बोलो। -5 -5 तो 2 × -4 माइनस 3 × -1, ऐसा। तो ये हो गया अभी -8 + 3, यानी फाइनल आंसर इज -5। क्लियर। लेट्स से ये क्वेश्चन है 2 4 -1 और -3, इसका आंसर। +5 हो गया अभी 8 माइनस -1 × -3 -1 × -3 -1 × -3 ये होता है +3। ठीक है, तो इसका आंसर है फाइनली 8 - 3 यानी 5। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए ना, सिंपल ये है, सर टफ नहीं है इसमें कुछ भी। अच्छा, अभी थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स को डिफाइन करने से पहले कुछ और पॉइंट्स डिफाइन कर लेते हैं। इसमें एक पॉइंट होता है ये कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, को फैक्टर को शो करते हैं सी आई जे से, और को फैक्टर से पहले एक पॉइंट हमें ये करना पड़ेगा माइनर, सिंपल ही होता है, मतलब टफ कुछ भी नहीं है इसमें। इसको बोलते हैं MIJ। ठीक है, माइनर क्या होता है, जैसे एग्जांपल है दिस ABCD। ठीक है, तो M11 इसका मीनिंग ये हो गया कि माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी बेसिकली M11 इज माइनर ऑफ एलिमेंट, विच एलिमेंट। ए हाँ, तो M11 का मीनिंग हो गया माइनर ऑफ ए। और इसका आंसर है ये। देखो माइनर ऑफ ए कैसे फाइंड करोगे, इसमें क्या करना होता है आपको, दिस रो एंड दिस कॉलम रिमूव करना होता है, यानी दिस रो रिमूव करो और दिस कॉलम रिमूव करो, जो बचा हुआ एलिमेंट है ना वो आंसर है। ओके, तो माइनर ऑफ ए कितना आ गया बोलो। डी डी डन। ऐसे ही M12, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में तुम्हें दिख रहा होगा कौन सा एलिमेंट है, उसका माइनर। आंसर सी सी करेक्ट है। M21 यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है सी, यानी माइनर ऑफ सी।
सो माइनर ऑफ सी के लिए बेसिकली आप ये रो रिमूव करोगे, दिस कॉलम रिमूव करोगे, और जो आंसर जो एलिमेंट रिमेनिंग है ना वो आंसर है. सो आंसर बी 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 करेक्ट. बाकी ऐसा एम टू टू यानी कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है डी, तो बेसिकली वी हैव टू रिमूव दिस रो एंड दिस कॉलम. आंसर ठीक है. तो ये सिंपल ही होता है ना, टू बाई टू में सिंपल ही होता है. अभी आ रहे हैं थर्ड बाई थर्ड पे, थ्री बाई थ्री पे. लेट्स ऐसा कुछ है टू थ्री फोर माइनस वन, चलो इसको एबीसीडी में लिख लेते हैं ना. ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई. लेट से फाइंड करना है आपको एम वन वन. एम वन वन का मीनिंग हो गया माइनर ऑफ ए. तो माइनर ऑफ ए में तुम्हें दिख रहा होगा ये रो रिमूव करोगे, दिस कॉलम रिमूव करोगे. अभी टोटल फोर एलिमेंट्स हैं, तो बेसिकली इन फोर एलिमेंट्स का क्या डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हो. तो ई एफ एच आई का डिटरमिनेंट कितना आएगा बोलो. ई आई माइनस एच एफ. करेक्ट है, ई आई माइनस एच. डन. एम टू टू ये बोलो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है एलिमेंट ई, तो माइनर ऑफ ई. सो बेसिकली दिस रो रिमूव दिस कॉलम रिमूव, दिस रो रिमूव एंड दिस कॉलम रिमूव. तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका डिटरमिनेंट क्या आंसर है. ai माइनस gc. इसमें यार मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं ना, वरना डायग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है, डायग्राम मतलब जो भी है वो खराब दिखने लगेगा आपको. नेक्स्ट ऐसा कुछ m31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो यहां पे माइनर ऑफ एलिमेंट g एंड आंसर. bf माइनस ec. हाँ बी एफ करेक्ट, बिल्कुल सही. एम वन टू ये बोलो यानी माइनर ऑफ एलिमेंट डी. डी आ रहा है क्या बेटा फर्स्ट और ई सर. माइनर ऑफ बी. हाँ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. इसका आंसर बोलो. डी आई माइनस जी एफ. करेक्ट, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. तो ये हो गया डी आई माइनस जी एफ. डन. इसमें कोई डाउट है किसी को बोलो. नहीं होना चाहिए, कुछ है ही नहीं इसमें डाउट के लिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट टर्म होती है दिस कोफैक्टर. फर्स्ट पॉइंट था माइनर, सेकेंड पॉइंट है कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट. इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी आई जे से. सी फॉर कोफैक्टर, एम फॉर माइनर. तो बेसिकली सी आई जे इज इक्वल टू माइनस वन टू जे और फिर एम आई जे. तो कहने का मीनिंग ये है कि सी आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव एम आई जे इफ आई प्लस जे क्या बोलो. ऑड. डेफिनेटली करेक्ट है. तो नेगेटिव एम आई जे इफ आई प्लस जे इज ऑड नंबर. आई प्लस जे ऑड नंबर का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम जिनके लिए ऑड नंबर आएगा उनमें नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा अप्लाई कर दोगे आप. बाकी एज इट इज यानी एम आई जे के इक्वल इफ आई प्लस जे इज इक्वल टू इवन. ठीक है, अभी होता क्या है ना, ये सपोज करो ये एग्जांपल लिखते हैं सब कुछ टू माइनस थ्री फोर और लेट से माइनस फाइव. फाइंड करना है सी वन वन क्या आंसर है बोलो. C11 यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम.
उसमें लिखा हुआ है टू, तो बेसिकली आपको फाइंड करना है कोफैक्टर ऑफ टू, या फिर एक काम करते हैं सेवन लिख लो, तो कोफैक्टर ऑफ सेवन फाइंड करना है, क्या आंसर है बोलो। देखो ये है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इसमें आई प्लस, सुनो सुनो आई प्लस जे कितना आ रहा है यहाँ पे, टू। इवन या ऑड? इवन। इवन मतलब इसकी वैल्यू माइनर के इक्वल ही आएगी, और माइनर में क्या करते थे इस रो और इस कॉलम को रिमूव करते हो, जो एलिमेंट रिमेनिंग है वो आंसर है, तो आंसर कितना आ गया इसका बोलो, माइनस फाइव। लेट से आपको फाइंड करना है सी वन टू, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, सो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है माइनस थ्री, यानी को फैक्टर ऑफ माइनस थ्री, यहाँ पे आई प्लस जे इवन या ऑड? ऑड। यार बोर्ड्स में पूरा एक एक्सरसाइज है इस चीज के ऊपर है ना, जस्ट को फैक्टर और माइनर के ऊपर, कुछ भी नहीं होता है, बस थोड़ा सा फोकस रहो। तो सी वन टू का मीनिंग हो गया फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है माइनस थ्री, यानी को फैक्टर ऑफ माइनस थ्री, ठीक है। तो इस रो को रिमूव करोगे, ये कॉलम रिमूव करोगे, आंसर है फोर, बट आई प्लस जे का वैल्यू आ रहा है ऑड नंबर, यानी आंसर शुड बी माइनस फोर। माइनस फोर, माइनर होता तो जस्ट फोर, तो बेसिकली यहाँ पे जिनके लिए आई प्लस जे इवन नंबर आएगा तो उनमें आपको माइनर ही रिप्लाई करना है, आई प्लस जे ऑड नंबर आएगा तो उसका नेगेटिव एक्स्ट्रा अप्लाई करके साइन चेंज करना है, तो बस। सपोज करो क्वेश्चन है दिस सी टू वन, इसका आंसर बोलो। प्लस थ्री अगेन टू प्लस वन आई प्लस जे ऑड नंबर, दिस कॉलम रिमूव, दिस रो रिमूव, रिमेनिंग है माइनस थ्री, एक्स्ट्रा नेगेटिव अप्लाई करोगे यानी आंसर है थ्री। सी टू टू यानी को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ये है माइनस का फाइव, को फैक्टर ऑफ सी टू टू आंसर सेवन। करेक्ट है। अच्छा ये टॉपिक सीईटी में भी बहुत सीईटी में क्या होता है, जैसे ऑलमोस्ट 70% सिलेबस है फ्रॉम 12th और 30% सिलेबस है फ्रॉम 11th। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था कि महाराष्ट्र बोर्ड में क्या है ना, ये जो टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ये 11th और 12th दोनों में है, ये स्टार्टिंग बोला था मैंने ना, तो जो 11th का 30% पोर्शन है वहां पे भी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट काफी इंपॉर्टेंट है, और जो 12th का 70% पोर्शन है उसमें भी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का वेटेज काफी है। तो CET के जो 50 क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स के, जिनमें हर क्वेश्चन प्लस 2 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी 50 क्वेश्चंस ही आते हैं, बस वहां पे प्लस 1 मार्क्स का होता है, तो मैथ से क्वेश्चंस डबल वेटेज वाले होते हैं, ठीक है। तो उन 50 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस आपके मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के ऊपर आते हैं, और बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, इजी आते हैं ना, और उनमें ये सारी चीजें हैं, कोफैक्टर, माइनर, ये सब। चलो ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पहुंचते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है लाइक दिस, 1 माइनस 2 और 3 माइनस 4 और 5 6 7 माइनस 8 और 9। देखो अभी होता क्या है ना, यहाँ पे i प्लस j ऑड नंबर किन एलिमेंट्स के लिए आने वाला है बोलो। I plus J odd number will be first row second column। देखो यहाँ पे ये है first row first column, first row first मतलब 1+1 2 even number, यहाँ पे first row second column 1+2 odd number, first row third column 1+3 even number, और फिर यहाँ पे ये है second row और third column, यानी कि 2+3 5 odd number, second row second column 2+2 4 even number, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2+1 3 ऑड नंबर, ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3+1 4 इवन नंबर, थर्ड रो सेकेंड कॉलम यानी कि 5 ऑड नंबर, ये है थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि 6 इवन नंबर, ठीक है। तो ये 3x3 के मैट्रिक्स में केवल ये जो 4 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इनका पोजीशन आइडेंटिफाई कर लो, इनको लर्न मत रखो, पोजीशन है दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, दिस पोजीशन और दिस पोजीशन,
इन्हीं का जब आप कोफैक्टर फाइंड करते हो तो वो एम आई जे में नेगेटिव एक्स्ट्रा आता है, बाकी सब में एम आई जे में एक्स्ट्रा नेगेटिव नहीं आता, मतलब एम आई जे ही आंसर होता है। एनी डाउट? नो सर। क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड, पता नहीं स्क्रीन क्यों स्टॉप हो रही है बार बार। एक सेकंड। स्क्रीन विजिबल है? क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे यूज करते हैं लेट्स से टू। फाइंड फर्स्ट सी वन वन, सेकेंड सी वन टू, थर्ड, चलो सबका ही निकालो है ना, जितने भी एलिमेंट्स है सबका कोफैक्टर निकालो। सी वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि थ्री, इसका कोफैक्टर, ये क्वेश्चन है। आंसर 33। हाँ, मतलब कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर इफ आई प्लस जे इज इक्वल टू इवन, एंड कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनर इफ आई प्लस जे ऑड। आई प्लस जे ऑड किस नंबर्स के लिए आता है वो ऑलरेडी देख चुके हम लोग, जैसे वो आने वाला है सी वन टू और सी टू वन, सी टू थ्री और सी थ्री टू, इन पे वो नेगेटिव के इक्वल आने वाला है, बाकी सब में एज इट इज माइनर के इक्वल। सो सी वन वन यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, दिस 18 और प्लस 21, आंसर सॉरी 12 प्लस 21 यानी 33। अभी करते हैं सी वन टू, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम 23, फर्स्ट और सेकंड कॉलम यानी कि दिस, तो ये हो गया माइनस, आगे माइनस 8 माइनस माइनस 5 इनटू माइनस 3 होता है प्लस 15, यानी कि यहाँ पे आएगा नेगेटिव 15, तो इसका आंसर है प्लस 23। करेक्ट है। सी वन थ्री यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये एज इट इज माइनस का 28 प्लस 30 यानी आंसर है 2। नेक्स्ट सी टू वन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ माइनस 4 माइनस 7 यानी आंसर 11।
करेक्ट है. नेक्स्ट सी टू टू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये एज इट इज 6 माइनस माइनस 5 यानी प्लस 5. आंसर 11. सी टू थ्री यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये फिर नेगेटिव ऑफ माइनर, और माइनर है यहाँ पे दिस 21 माइनस माइनस 5 इंटू माइनस का 2, तो ये हो गया अभी 21 माइनस 10 यानी आंसर 11 माइनस 11 माइनस 11 करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है C31 यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम. ओके, सो इसका आंसर है 6 माइनस 6 यानी कितना बोलो, 0. नेक्स्ट C32 यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट इसमें आगे नेगेटिव लगना डेफिनेटली है, और फिर ये हो गया अभी माइनस का 9 और माइनस माइनस 4 यानी प्लस 4. आंसर 5 प्लस 5 करेक्ट है. नेक्स्ट C33 यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो आंसर 18 माइनस 8 यानी 10. डन. इस फुल क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो. बताओ कुछ डिस्कस करना है तो बोलो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स. एग्जाम्पल ये ऑलरेडी कर चुके हम लोग यार, है ना. लाइक ऐसा कुछ है 2 - 3 - 4 - 1 - 7 - 6 - 4 - 3 or let's say +1. ठीक है, फाइंड आउट ए, लेट्स इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ, तो फाइंड डिटरमिनेंट ये क्वेश्चन. सो वी कैन ओपन विद रिस्पेक्ट टू एनी रो और विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉलम. लेट्स इसको ओपन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रो 1. ठीक है, अभी थोड़ा इसको फास्ट बताता हूँ यार, ना, क्योंकि हम लोगों ने काफी अच्छे से किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्टिंग में, और सेम वही है. तो विद रिस्पेक्ट टू रो 1 ओपन कर रहे हैं इसको भी, तो 2 ब्रैकेट माइनस 3 के प्लेस पे क्या यूज करोगे बोलो, 3 प्लस 3 और माइनस 4 एज इट इज. इसमें थोड़ा करेक्शन किया है, अभी 4 के प्लेस पे माइनस 4 आएगा. ठीक है, अभी स्टार्टिंग विद 2, तो दिस रो रिमूव, दिस कॉलम रिमूव, रिमेनिंग ये. आंसर मतलब कितना लिखना चाहिए यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में, 7 + 18 Now -3 - 3 के प्लेस पे आप यूज करोगे +3, क्योंकि इसमें कोफैक्टर ही यूज होता है. जस्ट अभी बताया था कि दिस एलिमेंट इसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब नेगेटिव एक्स्ट्रा लगता है आगे, तो -3 के प्लेस पे यूज करोगे +3. अभी दिस रो रिमूव, दिस कॉलम रिमूव, रिमेनिंग -1 - 24 -1 - -4 - -6 तो 3 नेगेटिव यानी कि -24, फिर -4. This row remove, this column remove, remaining -3 + 28 correct है. तो ये हो गया अभी 18 + 7 = 25 × 2 यानी कि 50, और ये है -25 × 7 यानी कि -75, 28 - 3 यानी कि 25 × -4 यानी -100 125 - 125. तो final answer है this -125 correct. ठीक है, इसको चाहो तो आप इधर कोई भी ओपन कर सकते हो. लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 2 ओपन कर लेते हैं, तो कॉलम 2 का मीनिंग ये हो गया दिस कॉलम. ठीक है, तो -3 के प्लेस पे यूज करोगे बोलो, +3 7 एज इट इज -3, यहां पे 3 के प्लेस पे यूज करोगे क्या, -3 एग्जैक्टली. स्टार्टिंग ब्रैकेट में देखते हैं, तो -3 के प्लेस पे यूज किया +3, दिस रो रिमूव, दिस कॉलम रिमूव, ये हो गया -1 माइनस
24. अभी 7. दिस रो रिमूव, सेकंड रो रिमूव, सेकंड कॉलम रिमूव, सेकंड रो रिमूव, सेकंड रो रिमूव, ये इसको रिमूव कर रहे हैं ना, और सेकंड कॉलम रिमूव, ऐसा. रिमेनिंग बोलो. 2 minus 16. करेक्ट. और माइनस 3. दिस रो रिमूव, दिस कॉलम रिमूव, रिमेनिंग माइनस 12 माइनस 4. कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया -25 × 7 यानी कि -75. 2 minus 14 यानी माइनस, सॉरी 2 minus 16 यानी -14. 7 जा 98. और ये है -12 - 4 यानी कि -16. -16 × -3 यानी प्लस 48. ये एक बार कैलकुलेट करो अभी, तो ये हो गया 0 और 50 यानी कि -120. सेम ही आंसर आता है. वी कैन ओपन विद रेस्पेक्ट टू एनी रो और एनी कॉलम, आंसर विल बी सेम. डन. एक पॉइंट और, ठीक है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं. फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर से देख लेते हैं. लेट्स से दिस पॉइंट है x1 y1, दिस पॉइंट है x2 y2 और दिस पॉइंट है x3 y3. एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1. एक पॉइंट और, डिटरमिनेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, एनीथिंग, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव. तो इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दोगे बोलो? मॉडुलस. ठीक है, तो ये जो अंदर वाला है ना, ये तो डिटरमिनेंट है और ये मॉडुलस है. ऐसे एक पॉइंट, ये भी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स. खैर, अब तो इसको आप स्लोप से भी कर सकते हो. इसका स्लोप फाइंड कर लो y2 - y1 / x2 - x1. इसका स्लोप फाइंड कर लो y2 - y1 / x2 - x1. दोनों को इक्वेट कर दो. ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं. इसके ऊपर क्वेश्चन है दिस. दिस पॉइंट इज 2, -3. दिस पॉइंट इज -7, -4 और ये पॉइंट है -2, -3, 5. फाइंड आउट एरिया. ये क्वेश्चन ट्राई करना. फोर जीरो. ओके, देखते हैं. एनी अदर आंसर? 77/2. 77/2 का मीनिंग हो गया 38/5. और बताओ. 11/2. 11/2 यार कैसे पॉसिबल है ये? मतलब
ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं है, फिर भी सबके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा दिस, हाफ ऑफ एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन और एक्स थ्री वाई थ्री और वन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रो वन इसको ओपन करते हैं तो टू एज इट इज माइनस थ्री के प्लेस पे यूज करोगे प्लस थ्री और वन एज इट इज। ठीक है, टू ये हो गया अभी माइनस फोर माइनस का फाइव, यहां पे है नेक्स्ट प्लस थ्री और इस ब्रैकेट में आना चाहिए माइनस सेवन प्लस थ्री, हाँ, और फिर प्लस वन, ब्रैकेट में आना चाहिए माइनस थर्टी फाइव और नेगेटिव ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया अभी माइनस नाइन इंटू टू यानी कि माइनस एटीन, माइनस थ्री माइनस सेवन प्लस थ्री यानी कि माइनस फोर इंटू थ्री इज माइनस ट्वेल्व और माइनस का ये हो गया फोर्टी सेवन सेवन एग्जैक्टली, तो ये हो गया माइनस सेवेंटी सेवन, बट एरिया है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, फाइनल आंसर 77 अपॉन 2, ये इसका आंसर आएगा 77 अपॉन 2। ठीक है, ओके, समझने का ट्राई करो इसमें ना। चलो एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं, दिस पॉइंट इज ए कॉमा टू ए माइनस थ्री, ये है माइनस थ्री कॉमा सेवन, दिस इज फोर कॉमा वन, फाइंड आउट ए सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अ टेन यूनिट्स, टेन स्क्वायर यूनिट्स। ये क्वेश्चन ट्राई करें। इसमें दो डिफरेंट आंसर आएंगे। ठीक है, हाफ ऑफ दिस डिटरमिनेंट एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू और वन एक्स थ्री वाई थ्री और वन, यहाँ पे था हाफ, राइट साइड में था टेन, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि ट्वेंटी, बट मॉडुलस आता है सो प्लस माइनस ट्वेंटी, मतलब एरिया की वैल्यू हो सकती है नेगेटिव आ रही हो या फिर पॉजिटिव आ रही हो, दोनों केसेस के अंदर आप आंसर तो 10 ही बताओगे, तो इसको यूज करोगे प्लस माइनस 20। अरे यार ठीक से बताओ यार, एक बार प्लस 20 यूज करो और एक बार माइनस 20 यूज करो, फिर इसका आंसर बताओ।
18 by 5 and 8 by 5. ओपन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रो वन ए एज इट इज 2a-3 इसको नेगेटिव लिखोगे आप काफी लोग इसको ऐसे लिखते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग एरर है आप किसी ने ब्रैकेट बनाए हैं तो कुछ सोच समझ के बनाए होंगे तो आपको लिखना चाहिए माइनस ऑफ 2a-3 ठीक है माइनस ऑफ 2a-3 और एक फिर ब्रैकेट और प्लस वन ये एज इट इज ठीक है स्टार्ट करते हैं ए तो यहाँ पे आना चाहिए 7-1 माइनस ऑफ 2a-3 यहाँ पे माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 4 फिर नेक्स्ट यहाँ पे माइनस 3 और माइनस 28 ठीक है तो ये होगा अभी 7a-a सॉरी क्या कर रहा हूँ 7-1 यानी कि 6 यानी कि 6 है ठीक है ये है -7 माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 × 2a-3 यानी कि 14a माइनस 21 और ये हो गया -31 ठीक है तो 4a+6 है यानी कि 20a और माइनस का 52 इज इक्वल टू 20 और एक बार आप यूज करोगे 20a है 20a-52 is equal to minus का 20 ठीक है तो 20a is equal to 72 यानी a is equal to 18 upon 5 करेक्ट है और यहां से 20a is equal to plus 32 यानी a is equal to 32 upon 20 यानी 8 upon 5 तो फाइनल आंसर है दिस a is equal to 8 upon 5 और a is equal to देखो क्या होता है जैसे डिटरमिनेंट है दिस या फिर मैट्रिक्स भी बना सकते हो यहाँ पे है a11 दिस इज a12 यहाँ पे है a13 a11 का मीनिंग ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a12 का मीनिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a13 का मीनिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम ठीक है अभी नोट है दिस A11 और C11 C11 का मीनिंग हो गया A11 का कोफैक्टर ठीक है प्लस A12 into C12 प्लस A13 into C13 ये वैल्यू किसके इक्वल है डिटरमिनेंट ऑफ A अभी यहां पे जो हम लोग करते हैं ना एक सेकेंड ये जो हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 तो बेसिकली 7+18 ये कोफैक्टर ऑफ 2 है ना ऐसे ही -3 को आप मल्टीप्लाई करो किसे कोफैक्टर से तो बिकॉज ऑफ ये एलिमेंट यहाँ पे है तो कोफैक्टर में नेगेटिव एमआईजे आता है तो -3 के प्लेस पे क्या यूज किया आपने +3 ऐसे ही -4 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसके कोफैक्टर से -3 × +28 तो कहने का पर्पस ये है कि a11 × c11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर्स कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो मल्टीप्लाई और फिर ऐड तो ये डिटरमिनेंट के इक्वल होता है ऐसे ही सपोज करो ऐसा कुछ है a12 मतलब मैं सेकंड कॉलम यूज कर रहा हूँ a12 और साथ में इसी का कोफैक्टर a22 और इसी का कोफैक्टर a32 और इसी का कोफैक्टर तो भी ये वैल्यू कितना आने वाला है डेल्टा डेल्टा आई का मतलब डिटरमिनेंट डेल्टा आई डिटरमिनेंट है ऐसे ही कुछ भी यूज कर लो लेट्स से आप यूज करते हो थर्ड रो
A31 तो इसी का क्या होना चाहिए कोफैक्टर C31, A32 इसी का होना चाहिए कोफैक्टर C32, A33 इसी का कोफैक्टर होना चाहिए C33, ये वैल्यू भी कितना आएगा बोलो? ए. हाँ बिल्कुल, पेयर ऑफ रो, सेम रो, पेयर ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कोफैक्टर्स, ठीक है। अब एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो, सपोज करो आप यूज कर रहे हो एलिमेंट फर्स्ट रो का A11, बट कोफैक्टर यूज कर रहे हो आप सेकेंड रो का C21। ऐसे ही फर्स्ट रो का एलिमेंट A12, बट कोफैक्टर सेकेंड रो का C22। एलिमेंट फर्स्ट रो का A13, कोफैक्टर सेकेंड रो का C23, तो ये वैल्यू कितनी आती है? जीरो। जीरो। इसका प्रूफ यार यही होता है, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स बना करके उनको फाइंड करते हो और वो वैल्यू हर सिचुएशन में जीरो निकल के आता है। सपोज करो ऐसा ही कुछ, लेट से एलिमेंट यूज करते हैं फर्स्ट कॉलम के, तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट यूज करते हो और कोफैक्टर भी उसी कॉलम का यूज करते हो, तो आंसर आएगा डेल्टा, यानी डिटरमिनेंट के इक्वल। बट लेट से फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स और सेकेंड या थर्ड कॉलम के कोफैक्टर मल्टीप्लीकेशन और फिर एडिशन, तो आंसर कितना आएगा? जीरो। जीरो। जैसे A11 और लेट से कोफैक्टर यूज करते हैं सेकेंड कॉलम का C12, A21 कोफैक्टर यूज कर रहे हैं सेकेंड कॉलम, एलिमेंट फर्स्ट कॉलम और कोफैक्टर सेकेंड कॉलम, दिस वैल्यू जीरो। तो सेम रो और उसी रो का कोफैक्टर, आंसर डिटरमिनेंट के इक्वल, बट कोई और रो या कोई नेक्स्ट अदर कॉलम का कोफैक्टर, तो फिर आंसर आता है जीरो, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं शीट्स वगैरह में, एग्जाम्स में भी आते हैं, आपको मिलेंगे ऐसा। एनी डाउट? बोलो कोई डाउट है तो बताओ। ओके ठीक है, फिर इसके बाद आती है डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज और वो फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, फिर आज इतना ही करते हैं, ठीक है। अभी के लिए डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स में कोई होमवर्क नहीं है, अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर का शीट था वो कंप्लीट करके रखो, जिसने दो शीट ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं वो मेरे को बताओ, उसके एक शीट और सेंड करता हूँ। बाकी यार थोड़ा सा एक्टिव रहो, मतलब शीट्स वगैरह कंप्लीट करते रहो टाइम पे, वरना होमवर्क बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो फिर ना, अभी इतना ही होमवर्क है, जो आज पढ़ा हम लोगों ने इसको रिवाइज करके आना, नेक्स्ट टाइम पे सब यूज होने वाला है। चलो बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय सर। ओके बेटे।